सृष्टिस्थे विनाशनां शक्तिभूत सनातनीं गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। मैं सृष्टि सृजन करता हूँ, जगत जननी पराम्बा भगवती को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जिस विषय पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं वह विषय नवरात्र विशेष। नवरात्र विशेष शक्ति साधना के लिए, शक्ति की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती का अद्भुत ग्रंथ है। आज दुर्गा सप्तशती में से मैं आपको एक विशिष्ट प्रकार का प्रयोग बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती में एक प्रयोग है सप्तश्लोकी दुर्गा। सप्तश्लोकी दुर्गा का प्रयोग, उसमें 7 श्लोक हैं और 7 श्लोकों का अपना अपना एक विशिष्ट महत्व है। उन 7 मंत्रों का जाप करके आप अपने जीवन की विविध विविध परेशानियों और संकटों को दूर कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का प्रथम श्लोक, प्रथम जो मंत्र है, ओम ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेच्छति। ज्ञानिनाम, जो ज्ञानियों के चित्त का विहरण कर और अपने दुस्तर माया के जाल में जिसे फंसा दे, उस माया स्वरूप ने जगत जननी पराम्बा का ये जो मंत्र है वशीकरण के काम आता है। वशीकरण एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बोलना अत्यंत दुस्तर कार्य है। जब भी वशीकरण का प्रयोग सदुपयोग के लिए किया जाता है, अगर पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है या उनमें आपसी वैचारिक मतभेद रहते हैं या कोई व्यक्ति या कोई जातक या कोई जातिका अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस करते हैं, जिनको अपने जीवन में एक सुयोग्य प्रेमी की आवश्यकता हो या वो किसी को प्रेम करते हैं, गृहस्थ जीवन में जब पति को पत्नी का प्रेम ना मिले और पत्नी को पति का प्रेम ना मिले, तब जीवन में आवश्यकता हो जाती है किसी विशेष प्रयोग को करने की। दुर्गा सप्तशती के अंदर सप्तश्लोकी का जो प्रथम मंत्र है, ओम ज्ञानिनाम चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोह महामाया प्रेच्छति, इस मंत्र का जाप करने से आप जिसके भी से भी प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके निमित्त आप संकल्प नवरात्र के प्रथम दिन भगवती जगदम्बा पराम्बा के आगे घी का दीपक लगाएं, 5 गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और कुछ सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं और इस मंत्र की विषम संख्या में 3, 5, 7 या 11 माला 9 दिन तक करें और नवमी के दिन इस मंत्र से दशांश भाग में जितना संख्या में मंत्र जाप किया उसके 10वें हिस्से के भाग में गूगल से इस मंत्र से हवन करें। कुछ ही दिनों में जिस व्यक्ति से आपको प्रेम की आकांक्षा थी, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे और वो व्यक्ति आपके अनुकूल होगा, आपको मानने लगेगा, आपकी बातों को अनुसरण करने लगेगा। दुर्गा सप्त श्लोकी के प्रथम मंत्र का ये उपयोग है। दूसरा मंत्र है, दुर्गे स्मृतार्सि भीतिम शेजंतु स्वस्ति स्मृता मति मति शुभाम ददासि दारिद्र दुख बहारणी का तधन्या सर्वोपकार कणा सदार्धचिता। जब भी जीवन में दुख दारिद्र और भय का संकट सताने लगे, जब आपको लगे कि जीवन एक दुस्तर संकट में फंस गया है और अब कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तब क्या करें, तब दुर्गा सप्त श्लोकी के इस द्वितीय मंत्र का नित्य कम से कम 7 माला जाप नवरात्र के प्रथम दिन से नवमी के दिन तक करें। इसमें देवी को आप कनेर के पुष्प चढ़ाएं 5, एक मीठे पान का भोग लगाएं और खीर का भोग लगाएं और इस मंत्र का 7, 11, 21 इस क्रम में जाप करें। जब 9वें दिन आपका जाप पूरा हो जाए, तब आपको खीर से देवी का इस मंत्र के द्वारा
दशांश जो आपने मंत्र जापा है उसके 10वें हिस्से के भाग की संख्या के बराबर खीर से देवी का हवन करना है और देवी से प्रार्थना करनी है, देवी मेरे जीवन की समस्त दुख दारिद्र और कष्टों को आप दूर कीजिए। ये दुर्गा सप्तश्लोकी के द्वितीय मंत्र का प्रभाव। दुर्गा सप्तश्लोकी के तीसरा मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी कन्याएं जो मंगली हैं, मंगल के कारण जिनके जीवन में मंगल हो रहा है उनका विवाह नहीं हो रहा, या ऐसे ग्रस्त पुरुष या गृहस्थ पत्नियां जिनके जीवन में पति होते हुए भी पति का सुख नहीं है और वो मंगली हैं, उनके कुंडली में कहीं भी मंगल का दोष है, तो उनको दुर्गा सप्तश्लोकी के तृतीय मंत्र सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी को लाल फूल चढ़ाना चाहिए और जवा पुष्प एक देवी को अत्यंत प्रिय पुष्प है, लाल रंग का ये पुष्प है। इस पुष्प की फोटो हम इस मंत्र के साथ में आपको अवश्य लगा देंगे, उस पुष्प को आप ढूंढ लें और उस पुष्प को देवी को अर्पित करें। लाल फल देवी को लगाएं और इस मंत्र की 9 माला 9 दिन तक लगातार जाप करें, तो आपकी कुंडली में अगर कोई मंगल का दोष है तो अवश्य दूर होगा और आपकी विवाह की बाधा दूर होगी। अगर आपके गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का क्लेश है तो गृहस्थ जीवन का क्लेश दूर होगा। दुर्गा सप्तशती सप्तशती के अंतर्गत सप्तश्लोक का अगला मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वशात्र रे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे साधक जो बरसों से देवी की साधना कर रहे हैं, जिनको देवी की कृपा चाहिए, जिनको शरणागति भाव से देवी की साधना करनी है, उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी भी जगह की शरणागति प्राप्त करने के लिए आपको अपना पूर्ण भाव उस देवता में समर्पित करना पड़ेगा। समर्पण के बिना शरणागति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आप अपने शुद्ध भाव का समर्पण देवी को करें। अगर जीवन में चारों तरफ से निराशा हो गई इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां हर व्यक्ति परेशान है, दुर्गा सप्तश्लोकी के अंदर ये एक अद्भुत और चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र की 21 माला नवरात्र के प्रथम दिन से और नवरात्र की 9वीं तक आप करें। इसमें जो आपको भोग लगाना है वह मावे से बना हुआ कोई मिष्ठान का भोग लगाना या पंचमेवे का भोग लगाना। 9 दिन जब आप जाप कर लेंगे उसके 10वें हिस्से की संख्या का भाग निकाल कर पंचमेवे से या मावे के मिष्ठान से आपको हवन करना है और चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे कि आपको देवी की कृपा प्राप्त हो रही है, आपकी साधना की उन्नति अग्रसर हो रही है और आपको जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगला मंत्र है भय निवारण के लिए। जब भी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा या जातक अपने भविष्य की विचार करके चिंताग्रस्त रहता है, उसको किसी प्रकार का अननोन डर लगता है, अननोन फियर, रात्रि में डर लगता है, रात्रि में वो जाग जाते हैं, मन में हमेशा भय की स्थिति बनी रहती है, तो उसको दूर करने के लिए अगला मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय विस्त्राय नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तश्लोकी के इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन के समस्त भयों का नाश होगा, चाहे वो शत्रु का भय हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति का भय हो या भविष्य की चिंताओं का भय हो, तो सभी भय आपके दूर होंगे, देवी आपको अभय का वरदान देगी। इस मंत्र को जाप करने की 9 माला आपको नित्य करनी है और आपको
इस मंत्र को करने के लिए मुनक्के का भोग देवी को लगाना है। मुनक्के का भोग आपको देवी को लगाना है। और जब 9 दिन के बाद में जब नवमी करो, जब मंत्र पूरा हो जाएगा, तो इसकी 10वें हिस्से के भाग में आपको हवन करना है। हवन के लिए आपको बेल की लकड़ी, खेजड़े की लकड़ी, इनके ऊपर हवन करना होगा। साधारण हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हैं और खीर का इसमें भोग अवश्य लगाएं। आपके जीवन का समस्त भय समाप्त हो। अगला मंत्र है जिससे अभी पूरा विश्व जूझ रहा है, रोग, रोग बाधा निवारण के लिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ पे दवाई लग रही हैं लेकिन उस व्यक्ति का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा, क्या करें? दुर्गा सप्तशती का अगला मंत्र है रोगान शेषान भी तुष्टा तुष्टा तो कामान सकलान विष्टान तामसिता प्रणाम तामसि प्रांति। रोग बाधा निवारण के लिए रोगान शेषान, चाहे वो रोग प्रारब्ध के रोग हों, चाहे त्रिविध ताप के रोग हों, चाहे वात पित्त किफ कफ के त्रिदोष के रोग हों, उन सभी रोगों का शमन दुर्गा सप्तशती सप्तशती के अंदर सप्तश्लोकी जो में मंत्र दिया हुआ है, रोगान शेषान तुष्टा पुरुष्टाम, इस मंत्र का जाप करने से समस्त प्रकार के रोगों का शमन होगा, आप रोग बाधा से मुक्त होंगे। इस मंत्र को करने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का प्रयोग करना पड़ेगा। 7 प्रकार के कुओं का जल आपको लाना पड़ेगा, उस जल से आपको नित्य स्नान करना पड़ेगा और उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप करें। पंच पल्लव देवी को कुल वृक्ष, पीपल, बड़, गूलर, बेल वृक्ष और बड़ के पत्ते, ये देवी को आप समर्पित करें और कनेर के पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य के अंदर बादाम का भोग लगाएं। नैवेद्य के अंदर बादाम का भोग लगाएं। 9 दिन तक इस मंत्र की 21 माला का जाप करें। नवमी के दिन दशांश की संख्या में इस मंत्र का हवन करें। हवन में जो सामग्री काम ली जाएगी वह है पीली सरसों, राई और पंचमेव। इसमें आप पीली सरसों, राई और सामान्य हवन सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद में आपके जीवन के समस्त रोगों का नाश होगा। दुर्गा सप्तश्लोकी का अगला मंत्र है आपके जीवन में अगर पग पग पर बाधाएं हैं, आप शत्रुओं से परेशान हैं, आप चारों तरफ शत्रुओं से घिर गए हैं, जीवन की बाधाओं का शमन किस प्रकार करें? सर्वबाध प्रश्नम त्रिलोक के साखिलेश्वरी एवमेव कार्य स्वंभे हरि विनाशनम। सर्वबाधा, हे जगत जननी, आप मेरी तीनों लोकों की बाधाओं को शांत करें और जो मेरे शत्रु हैं उनका नाश करें। इस मंत्र का उद्देश्य शत्रु का नाश करना नहीं, शत्रु के अंदर शत्रु भाव का नाश करना है। शत्रु के अंदर आपके प्रति शत्रु का भाव है, शत्रुता का भाव है, उसका नाश करना है। इसलिए किसी प्रकार का कोई संदेह ना करें। इस मंत्र की 31 माला नित्य रात्रि में 9 बजे के बाद तिल के तेल का दीपक जला के आप करें। नैवेद्य में देवी को बादाम, किशमिश, छुआरे, इनमें से कोई भी एक पदार्थ आप लगा सकते हैं। नौ दिन के बाद में जब ये मंत्र जब पूरा हो जाएगा तो उसकी दशांश संख्या के साथ में सामान्य हवन सामग्री के साथ में काली मिर्ची का प्रयोग आपको हवन के लिए करना है, जिससे आपके तीनों लोकों की बाधाएं शांत हो और देवी की कृपा प्राप्त हो। शत्रु जो भी आपके हैं उनके अंदर आपके प्रति शत्रुता का भाव है उसका शमन हो। इसी के साथ मैंने आपको दुर्गा सप्त श्लोकी के जो 7 मंत्र हैं उनके विशिष्ट विशिष्ट प्रयोग, उनके जाप की संख्या और उनकी हवन सामग्री के क्रम में मैंने आपको बताया है। इस प्रयोग को आप करें
और जीवन से अपनी समस्त परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।